नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के मिथिला क्षेत्र में, जहां पर आज दरभंगा के सहोरा गांव की ये नवविवाहिता जो अलग अलग जाकर पूजा पाठ कर रही हैं, खासकर फुल्लोरी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। रंग बिरंगे फूलों को सजाकर, खुद सज धज कर, जैसे लगता है शादी का माहौल है, और बहुत ही अच्छे तरीके से लोकगीतों का वर्णन कर इसमें फुल्लोरी करती हैं। जगह जगह जाकर अपने लिए तस्वीरें भी खिंचवाती हैं। आज यहाँ हम विशेष कवरेज में दिखा रहे हैं, खासकर परंपराओं के अनुसार अगर बात करें तो इस व्रत का बेहद विशेष महत्व रहा है। मधुस्वामी व्रतियों को इस बार ये जो खासकर व्रत है वो करीब 1.5 महीने तक यह व्रत रखना ही होगा। व्रत के दौरान महिलाएं प्रतिदिन, ये देख सकते हैं ये नेहा है, जिन्हें देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से सजधज कराई हैं, प्रतिदिन बगीचों से फूल पत्तियां चुनती हैं, विशारा यानी सांपों और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। 15 दिनों की इस पूजा के दौरान नवविवाहिताओं को नाग देवता की कहानी सुनाई जाती है, जबकि बाकी दिनों में सावित्री, सत्यवान, शंकर, पार्वती, राम, सीता, राधा, कृष्ण जैसे देवताओं की कहानियां सुनाई जाती है। आज के दिन जो कवरेज देख रहे हैं ये आनंदपुर सोहरा पंचायत के नवविवाहिताओं का कवरेज है, जिसमें निशा चौधरी, तन्नू, सोनी, प्रियंका, प्रिया, नेहा, श्यामा, नेहा, साथ ही सबसे अंतिम में जिनका तस्वीर है वो है ललिता मिश्रा, जो उझौल जिनका सासुराल हुआ है, ये भी यहाँ पर आई हुई थी करने के लिए। लक्ष्मीपुर डेहरी है, जो बहुत ही प्राचीन जगह है, काफ़ी यहाँ पर राजा महाराजाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक साल जो है यहाँ पर दूर दूर से महिलाएँ आती हैं, नवविवाहिताएँ आती हैं, और यहाँ चैती दुर्गा पूजा भी लगता है। तो इस जगह पर दूर दूर से आज जो कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं और जानते हैं कि कितनी खुश हैं ये नवविवाहिता, और से इन्हें कितना गर्व है खुद के, इनका जो कल्चर है इसके ऊपर कितना गर्व है, और जो दूर दूर से लोग देख रहे हैं या फिर वो दुनिया के किसी कोने से इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस समाचार को देख रहे हैं, या फिर अलग कल्चर से देख रहे हैं, अलग राज्यों से देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और विशेष कवरेज देखिए, और क्या अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है इसके भी बारे में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे, मधुश्रावणी हम लोग के हिंदू पर्व में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पर्व है, और ये सबसे शुरुआत होता है नहा खा के दिन। उस दिन प्याज, लहसुन, दिस डैट कुछ भी नहीं, बस अड़वा अड़वैन खाया जाता है, जैसे मूंग का दाल, अड़वा चावल, उसके बाद कद्दू, ये सब। उसके बाद पूजा शुरू होता है, तो पूजा शुरू होने से एक दिन पहले हम लोग फुल्लोरी करते हैं, और बिसर माता को ना बसिया फूल ही चढ़ता है। कल होके विधि विधान से गौरी पूजा, बिसर का पूजा, चनाई राजा का पूजा, यही सब होता है। फिर डे बाई डे कथा चेंज होते जाता है। फिर हम लोग शाम में सज धज के जितना श्रृंगार हो सके उतना श्रृंगार करके फूल लोड़ने जाते हैं। फिर वही फूल कल होके विश्व भगवान को चढ़ाते हैं। गीत, नाद, भजन, भगवती गीत, गौरी गीत, यही सब होता है। सबसे आज मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगा। मैथिली के हमारा पूजा करके बहुत नीक लाग रहल यै, और हमरा कोनो काम नै करे पड़ै यै, एकदम महारानी के तरह हम लाग रहल छी, कोनो काम नै करे पड़ै यै, बहुत एन्जॉय करै छी, हम बहुत खुशी छी जे हम कोनो काम नै करै छी। सबसे बड़का खुशी यै हम भेटै यै जे काम नै करे पड़ै यै, कोनो काम नै पड़ै यै, महीनो के तैयार हम करब पी। ई त सिर्फ 1.5 महीना नै, ओके बाद त फेर काज करैये के छै न, सासुर जाकर, घर जाकर, एना तक। हां, ओ त करहे पड़तै, लेकिन अखन त के महारानी छी हम। अच्छा, महारानी छी। ई कहियो जे भिनसर आई कथी के कथा छले, आज कथा सुनलिए छले, आई मंगला गौरी के कथा छले। कोन पूजा कर रहल छिए? मधुश्रावणी के नाग देवता के पूजा। सबसे ज्यादा इमे नीक की लागैए अहाँके? नीक ई लागैए जे मतलब सज धज कऽ कनि आबै छी, सब दोस्त सब के साथ में फूल लोढ़ै छी, इएह सबसे नीक लागैए। जेमे की सासुर के तरफ से की होइ छै या केना की होइ छै से सब कनि बताउ। सब सासुर तरफ से होइ छै, कपड़ा से लऽ कऽ चावल, खाना, ई सब बर्तन बासन, पूजा के सामान सब की सासुरे से आबै छै, और वएह सब चीज पहिर कऽ, वएह सब चीज खाइ छी, वएह सब से पूजा करै छी। सबसे अगर बात करिए एहिमे तऽ कहाँ कहाँ जाइ छी अहाँ सब फुल्लोरी के लेल जेना, और अगर गार्डन अगर रहते अपना एरिया में, अहाँके गाँव के एरिया में, तऽ कतेक नीक रहते, अहाँ सबके स्पॉट भेट पाबैए कि नहि फोटो खिचाबै के या फुल्लोरी करै के, या गंदगी भेटैए, की कहऽ चाहै छियै? नहि, हमसब मैनेज आओर बढ़िआँ रहतै, सबके लेल बढ़िआँ रहतै, जे हम मतलब फोटो आर खिचाबैमे, घुमहोमे, हर चीजमे बढ़िआँ रहतै। तो गार्डन नहीं है, इसका मलाल है आपको? हाँ। तो इस मतलब उसके भरपाई के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं?
जैसे मतलब मंदिर हो या फिर क्या 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 करते हैं? गांव का गांव में मंदिर में जाए छिए तके बाद जना भाई हाता आबि गेलिए तके बाद गांव अथी गांव में कोइला माता छथिन चल जाए छिए श्यामा मंदिर चल जाए छिए श्यामा मंदिर। तो मतलब ई जे फूल के जे वर्णन छै में कतेक तरह के फूल छै में किछ पता या कि केना केना? अबे सब किछ होय छै, कोनो चीज एहन नै छै जे नै चढ़ायल जाय छै, हर फूल चढ़ायल जाय छै, हर फूल हर पत्ता सब चीज चढ़ायल। फूल के लेल कहियो एहनो होय जे मतलब नै उपलब्ध भऽ पाबै छै या उपलब्ध होय छै तऽ चोरी कऽ कऽ होय छै या फिर हमरा नै करऽ पड़ै कि हमरा बहुत टाके बाड़ी यऽ हम अपने पप्पा अपने कऽ लै छी। तऽ आइ के समय में जहाँ भागम दौड़ ज्यादा छै, पूजा पाठ आदमी एक अगरबत्ती नै घर में जला पाबै छै, एहनो एहनो मतलब समस्या चल रहल छै, एहन में ई पूजा कठिन यऽ डेढ़ महीना तक, कते गर्व महसूस करै छी, की कह जाय छै अपना अपना कल्चर के की कह जाय छै? मतलब ठीक है, बहुत गर्व महसूस कि हम कोनो पूजा नै कठिन पत्नी करे छथिन, पति के सेहो कोनो व्रत करे चाहि पत्नी के लेल? होय के चाहि। कई तरह के व्रत? जेना 15 दिन हम सकल 15 दिन हमको सहय के चाहि, सेम सहय के चाहि। तो ई की नाम भेल अहाँके? हमर नाम भेल निशा। और गाँव? मैना के पत्ता से शुरू होता है, ये पत्ता मिलना बहुत ही कठिन है आजकल में, बहुत ज्यादा इसका महंगाई बढ़ गया। किस तरह का होता है ये पत्ता? किस तरह का होता है मतलब? पत्ता जैसे केला का पत्ता, जरा जैसे केला का पत्ता होता है ना, उसी टाइप से बहुत बड़ा होता है और ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया, इसी के कारण महंगाई बढ़ रहा है। 100 रुपये 150 रुपये ऐसे मिल रहा है, मिलता ही नहीं है कहीं पत्ता, गांव घर में मिलता ही नहीं है और शहर में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। इसी पे पूजा होता है और इस पत्ता का महत्व ये है कि कहा जाता है कि बिसर भगवान इसी पे हुए थे, इस कारण ये पत्ता पूजा में बहुत जरूरी है। और फूल पत्ती जैसे जितना कुछ हो, पेड़ मतलब सृष्टि में जितना भी पेड़ पौधा है ना, हर एक पत्ता लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पौधा नहीं ले सकते, ये पत्ता नहीं ले सकते, कुछ भी हो सब लेते हैं, सब रंग का फूल होता है। और हाँ बताएं, और क्या मतलब जो महंगाई की आपने बात की, इस महंगाई के दौर में भी इतने बड़ा त्यौहार आप लोगों का होता है, कितना गर्व महसूस कर रही हैं, क्या ससुराल की तरफ से, क्या मायके की तरफ से बताएं? मतलब बहुत ज्यादा महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन ये पूजा तो बहुत जरूरी है, जिसे छोड़ नहीं सकते, महंगाई हो या सस्ता हो पूजा तो करना जरूरी है। जैसे एक शादी में जितना विघ्न होता है उससे भी ज्यादा इसमें होता है, तो ये पूजा हम लोग में एक शादी से भी बढ़ के होता है। इस घर में सब आते, दीदी फुआ नानी सब आती है, घर गाँव के जो बुजुर्ग होती है वो कथा कहती है, उनका विधि बताती है, क्यों कहा जाता है नहीं कहा जाता है, मतलब बता नहीं सकते कि हम लोगों को कितना खुशी महसूस होता है ये पूजा करके। 15 दिन का पूजा है और इस बार तो और 1.5 मंथ का लगा है, जो बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट फिर भी खुशी मिल रहा है, इतना अच्छा पूजा करके संतुष्टि मिलता है। अगेरा वगैरह मंदिर जाना पार्क वार्क का तो यहाँ पे सुविधा है नहीं, तो मंदिर से भी चले जाते हैं, जैसे यही डेहड़ी हुआ तो यहाँ भी आ गए। अच्छा लगता है। ये बताएं कि कितने गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितना गर्व महसूस करते हैं। इसमें जितना कुछ होता है, खाना पीना कपड़ा लता टोटली चीज ससुराल से ही आता है और वही हमें करना रहता है। ये जो 1.5 महीना है इसमें तो थोड़ा भी मतलब ये नहीं मालूम पड़ता होगा कि दिन कैसे गया? क्योंकि नहीं पता तो बिल्कुल नहीं चलता, पूजा करते करते 12-1 बज ही जाता है, फिर तैयार व्यार होके एक अलग से उमंग लगता है जाने का। इसमें कथा भी कहते हैं क्या? जी कथा भी होता है, डे बाय डे कथा होता है हर एक भगवान का। आज जैसे मंगला गौरी का कथा हुआ है, कल दूसरा भगवान का, कौन कौन का? अब उतना तो कौन कहते हैं कथा? कथा कहती है बगल की चाची है, वो कहती है कथा, आके बताती है कि पूजा का महत्व क्या है, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे ये पूजा का शुरुआत हुआ। जो लोग बाहर में देख रहे हैं, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले के समय में आपके गांव का, आपके घर का, आपका कल्चर इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं हो पाता था, लोग नहीं समझ पाते थे, क्योंकि लोग स्थान पर जाते थे तभी समझ पाते थे, लेकिन आज तो आसानी से लोग पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो लोग दूसरे राज्यों के देख रहे हैं क्या कहेंगे, कैसे यहाँ का कल्चर है क्या कहेंगे, कितना आप अपने कल्चर पर गर्व महसूस करें क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा ही गर्व महसूस करें कि हम मिथिला में हैं और मिथिला में इतना सुंदर पर्व होता है, बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है। और ये कहा जाता है कि पर्व सिर्फ ब्राह्मण में ही होता है, बाकी कोई होता नहीं है, तो अदर कास्ट का भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो लोग जानते हैं इस कल्चर को, हम लोग जानते हैं, जो परंपरा चलती आई है वो परंपरा निभाते हैं। अच्छा ये बताएं कि धर्म सौदा सब।
निशा दी चल बाजी ना ये बाजी है।